एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं अगस्त के फूल का चीला बना रही हूँ। ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ फूल ले रही हूँ। इसकी सारी पंखुड़ियों को, फूल को एक एक करके सारी पंखुड़ियों को अच्छे से तोड़ लेना है और इसके डंठल को अलग कर देना है। ये फूल कार्तिक के महीने में खाना बहुत शुभ माना जाता है और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं सारे फूल को इसी तरह से तोड़ लेती हूँ। अब मैं इसे धो लूँगी, इसे अच्छे से धो लेना है। मैंने इसे धो लिया है। अब यहाँ 2 कप अरवा चावल ले रही हूँ, आधा कप चने का दाल और आधा कप भीगा हुआ काला चना। इन सारी चीज़ों को 5 से 6 घंटा भिगो लेना है। एक ही कप से सारी चीज़ की मेजरमेंट करनी है। अब हम कुछ अदरक के टुकड़े लेंगे, 8-10 लहसुन की कलियाँ, कुछ हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। अब हम इन सारी चीज़ों को पीसेंगे। हम चावल को, दाल, हरी मिर्च, अदरक लहसुन और जीरा और काली मिर्च, इन सारी चीज़ों को एक साथ डालकर पीस लेंगे। ये पीस गया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है। अब हम इसमें सारी चीज़ को डालेंगे। ये काला चना, 2 से 3 चॉप किया हुआ प्याज, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो इसे स्किप कर दें। कुछ हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, अगर आप तीखा कम खाते हो तो आप मिर्चा अपने हिसाब से डालें, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब हम फूल डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये मिल गया है। मैं यहाँ सरसों का तेल ले रही हूँ, इससे ये ज़्यादा अच्छा बनता है। अब एक पैन को गर्म करेंगे, अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद उस पर तेल डालें। तेल को डालकर तवे पे मिला लेते हैं, तब इसमें हम बैटर डालेंगे। बैटर को डालकर अच्छे से फैला लेना है। इसे अच्छे से सेक लेंगे, ऊपर से थोड़ा तेल और डालेंगे और इसे पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। देखिए सिंक गया है एक साइड से, उस साइड से भी ऐसे ही सेक लेना है। अब इसी तरह से सारे चीलों को मैं बना लेती हूँ। अब मैं यहाँ धनिया की चटनी बना रही हूँ। यहाँ पर धनिया लेना है, 1 से 2 टमाटर और 2-3 हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ 2 से 3। अब इसे चटनी बना लेंगे। ये भी बन गया है। इसे हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाइए, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर से मैं काला नमक डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।